नमस्कार, एजुकेशन इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सरकार और राजनीति की। आपको बता दें, महाराष्ट्र की ओर से कुछ बड़ी खबरें आ रही है। महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक खेल के साथ ही महामारी भी चल रही है और देश का सबसे शीर्ष, सबसे ज्यादा महामारी फैलने वाला स्थान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब तक 60,000 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जो कि कम नहीं है। साथ ही वहां पर राजनीतिक खेल भी इन दिनों चल रहा है, जहां पर पहले बयान आ रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इस महामारी को रोकने में। उसके बाद शरद पवार द्वारा नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा गया और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी खबरें भी आ रही है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताई है, तो वहीं सरकार को कुछ निर्देश भी दिए। ये सारी बातें इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए क्या लगता है आपको, महाराष्ट्र की सरकार क्या वाकई में इस महामारी को फैलने से रोकने में असक्षम, असफल रही है या फिर नहीं, ये कमेंट में आप अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सभी राजनीतिक खबरें और सभी महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं। तो कोरोना संकट के बीच ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तीनों दलों के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार में भी मानो मन मुटाव का कोई वायरस घर बना रहा हो। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की दूसरी बार मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल की ओर इशारा कर रही है ये सारी बैठकें, ये मीटिंग, ये बयान किसी न किसी राजनीतिक खेल की ओर इशारा कर रही है और राजनीतिक खेल लगातार उजागर होता जा रहा है, जिसमें पहले भाजपा के बयान के अनुसार कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि सरकार असफल रही है इस महामारी को रोकने में। उसके बाद राजनीतिकारों का मानना यह भी है कि इन तीनों पार्टियों के बीच में किसी विशेष योजना, किसी विशेष मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बन रही है। उन सभी लोगों का कहना है जो राजनीति में अपना विशेष लगाव और विशेष जानकारी रखते हैं, ये उन लोगों का कहना है, यानी कि राजनीतिकारों का कहना है कि किसी एक डिसीजन पर, किसी एक मुद्दे पर तीनों ही दलों के बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव हो रहा है और सहमति नहीं बन रही है और इसी वजह से शायद सरकार में टूट है। और अगर ये फूट पड़ती रहेगी तो सरकार टूटना, सरकार गिरना निश्चित ही है। तो अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि इन दिनों भारत के अंदर महामारी फैली हुई है और सबसे ज्यादा कोहराम महाराष्ट्र में ही देखने को मिला है, जहां पर अभी तक 60,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और कुछ बड़ी खबरों की अगर बात करें तो इसी को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट यानी कि बम्बई हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि एक रिपोर्ट, एक डिटेल्ड रिपोर्ट लाई जाए कि प्रवासी मजदूरों को घर कैसे पहुंचाया जा रहा है और कितने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की भीड़ लग जाती है रेलवे स्टैंड और बस स्टैंड पर, और इसी वजह से बम्बई हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि एक रिपोर्ट बनाए और हमारे सामने पेश की जाए। इसके साथ ही बम्बई हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है सरकार से। नाराजगी इसलिए जताई है क्योंकि सरकार से कहा है कि और जांच केंद्र खोले जाए। आपको याद दिला दे, महाराष्ट्र में अभी 72 जांच केंद्र है, 72 से बढ़ाकर और ज्यादा जांच केंद्र बनाने चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार का कहना है कि प्रत्येक 250 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई ना कोई जांच केंद्र है और एक जिले के अंदर एक जांच केंद्र होना आवश्यक भी नहीं है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया। इसके ऊपर बम्बई हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा है कि कुछ अच्छी योजनाएं, कुछ नए तरीके के डिसीजन लीजिए ताकि महामारी को रोका जा सके। तो ये कुछ बड़ी खबरें आ रही थी महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र राजनीति, महाराष्ट्र सरकार की ओर से। ये सारी की सारी खबरें थी जो आ रही थी आज और कल के बीच की ये खबरें, यानी कि कल रात और आज के बीच की ये खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।